खाने में हमारे पास आ चुके हैं ये हमारे पेरी पेरी फ्राइज। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। होप यू गाइस आर गुड। दिस इज डे 3 इन स्कॉटलैंड और आज मैं हूँ इनवर्नेस में। रात को हम लोग यहाँ पे काफ़ी लेट पहुँचे थे, जहाँ पे हमने कैंपिंग वगैरह की थी, जहाँ पे खाना वगैरह बनाया था। तो यहाँ पे भी मैं इस टाइम एक कैंपिंग साइट पे ऊपर हूँ, जैसे आप मेरे बैकग्राउंड पे देख सकते होंगे। सो रात को हम लोग अराउंड 1 o'clock यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद हमने अपने टेंट्स वगैरह सेट किए, उसके बाद फिर करते करते काफ़ी लेट हो गए। हमारा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस था, हमने कभी टेंट में स्टे नहीं किया था, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमें कुछ स्कॉटिश बंदे मिले जो यहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे, उन्होंने आके हमारे साथ टेंट वगैरह बनाया, काफ़ी हमारी हेल्प की। सो अब हमें पता लग गया कि कैसे करने और आज रात को हम लोग एक्यूरेट कर सकते हैं। खैर, रात को सोते सोते हमें तकरीबन 3:30 हो गए थे, काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग उठे हैं, उठ के मॉर्निंग में अराउंड 8-9 o'clock हम उठे हैं, फिर शावर्स वगैरह लिए हैं, अभी हमने फ्रेश वगैरह होके और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स स्कॉटिश हाईलैंड्स एंड आइल ऑफ स्काई। और अभी मैं आपको थोड़ा सा कैंपिंग साइट का विजिट देता हूँ कि ये लोग कैसे यहाँ पे लोगों ने स्टे किया हुआ है और किस किस किस्म के कैंप्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये है जी लेक साइड, ये एक ब्यूटीफुल सी लेक है, वहाँ पे बोट वगैरह एक है और लोग इस तरह यहाँ पे कैंप वगैरह लगाए हुए हैं लोगों ने। और ये उस्मान खड़ा है और यहाँ पे कुछ लोग टेंट्स में हैं, कुछ लोग मोटर होम्स में हैं, कुछ लोग कैरवन्स में हैं, डिफरेंट लोग कैरवन्स के साथ भी लोगों ने टेंट्स वगैरह लगाए हुए हैं, कुछ छोटे बड़े रहा। ये पूरी मोटर होम्स हैं। अच्छा, यहाँ पे जो पूरा कैंपिंग साइट है उसके लिए उन्होंने ये सारे सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, जिससे कि ये सोलर पूरा ये ऑपरेट होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे हमने टेंट लगाए हुए थे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कोई भी नहीं थी। सो ये जो सोलर पैनल्स हैं, आई थिंक सो ये जो कुछ मोटर होम्स होंगे, जो उनके कुछ पक्के घर बने हुए हैं यहाँ पे, मोटर होम्स ही दूसरे वाले जो घर बने हुए इन्होंने कैरवन स्टाइल में बनाए हुए, उनको ये करते हैं। और दूसरा कुछ टॉयलेट फैसिलिटीज़ वगैरह के लिए और उनकी रिसेप्शन और जो ऑफिस वगैरह इनका है, जिसमें आप जाकर अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं, तो ये उन जगहों के लिए। तो खैर, अगर ये अच्छा होता कि अगर ये हर कैंप के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी देते, लेकिन रात को हम लोग अपने पावर बैंक्स वगैरह साथ लेके आए हुए थे, तो इसलिए हमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। सो ये वो दूसरे वाले घर हैं इस टाइप के ना, जहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दी हुई है, और इस टाइप के जो घर हैं उनको भी दी हुई है। अभी क्विक स्टॉप हमने लिया है ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट और लंच टुगेदर ये हम दो इकट्ठे कह रहे हैं। अभी हम आए हैं यहाँ पे पेपेस खाना खाने और यहाँ से बस के बाद हमने अंदर जाके खाना वगैरह खा के फिर आगे हमने निकलना है। खाने में हमारे पास आ चुके हैं ये हमारे पेरी पेरी फ्राइज एंड राइस है, आफाक ने मंगवाए हैं चिकन राइस एंड बर्गर्स, और अभी बहुत भूख लगी है। अभी हमने यहाँ पे क्विक से स्टॉप लिए है, लॉकनेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इनवर्नेस से थोड़ा सा आगे जाके लॉकनेस का एरिया स्टार्ट होता है। सो बेसिकली ये स्कॉटिश हाईलैंड्स है, आप इसमें देखें यहाँ पे एक साइड पे सारे पहाड़ आपको नज़र आएंगे और दूसरी साइड पे रिवर लेक जो भी आप इसको कह दें, एंड यहाँ पे हमारे आफाक सब ऊपर चढ़े हुए हैं। आफाक, आई एम जॉइनिंग यू। और यहाँ से व्यू चेक करें आप, पहाड़, पानी, एंड यहाँ पे हमने भी गाड़ी पार्क की है अपनी। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ा हुआ हूँ टॉप पे, और यहाँ से चैलेंज ये है कि यहाँ से हमें चल के जाना है ऑल द वे टू द अदर साइड, और एक साइड पे मेरे पानी और एक साइड पे ये है, एंड इट इज़ अ बिट रिस्की, लेकिन हम चलेंगे। हाँ भी जवानो, हाँ जी, कैसा लगा सीन? सेल्फी सेल्फी, लेट्स टेक अ सेल्फी। यो, हम लोग आइल ऑफ स्काई की तरफ जा रहे हैं। अभी हम स्कॉटिश हाईलैंड से क्रॉस कर रहे हैं, लॉकनेस हमने क्रॉस कर ली है। यहाँ पे एक और व्यू पॉइंट आया है, मैंने कहा आप लोगों को क्विकली दिखा दूँ, और वो ये है, चेक करें ज़रा।
यहाँ पे सारा ये समंदर का ये किस्म का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे इसको लेक टाइप से मिल, लेक टाइप से बनी हुई है। प्लस यहाँ पे एक तरफ पहाड़ है, एंड अगर मैं थोड़ा सा आगे दिखाऊँ थोड़े से बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, और दूसरी तरफ ये सारा व्यू नीचे जा रहा है। तो वो लड़के कुछ नीचे गए हैं, और अभी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा सा हाइकिंग करके नीचे जाना है, लेकिन नीचे जाने की ट्राई करता हूँ। काफ़ी मुश्किल रास्ता है, लेकिन कामयाब हो गया हूँ मैं आने के लिए। और लड़के पहले ही पहुँचे हुए, अपने अपने पोज मार के बैठे हुए, परेशान बैठे ये बेचारा। अच्छा पोज था ये, मैंने कहा परेशान बैठा हुआ, लेकिन ये तो उसका पोज था। अभी डिसाइड कर लिए कि यार हम भी नीचे उतर रहे हैं, और ये काफ़ी गंदा ट्रैक जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और ये वकार भाई और ये दोनों यहाँ से उतरे हैं। खैर डिफिकल्ट ट्रैक तो काफ़ी है, लेकिन देखने को पत्थर मूव ना कर रहा हो। फाइनली वहाँ से हम स्टार्ट किया है और ऑल द वे यहाँ पहुँच गए, और अभी आपको यहाँ का आगे व्यू दिखाता हूँ मैं। ये है जी व्यू यहाँ का, वेव्स आ रही हैं, बहुत ही पीसफुल। अब हम ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा स्टीप हिल है, काफ़ी डिफिकल्ट है ऊपर जाना, बट इवेंचुअली हम पहुंच जाएंगे। अभी हमने क्विक पिट स्टॉप लिया है दी पिट स्टॉप किंटल में, यहाँ पे काफ़ी प्यारी लेक भी है, और हमने कहा थोड़ी कॉफ़ी वगैरह हो जाए, नींद भी हम लोगों की इतनी पूरी नहीं हो रही है, इसकी ज़ाहिर हम लोग ट्रैवल मोड में हैं, तो हमने कहा थोड़ी सी कॉफ़ी हो जाए। लेकिन रास्ते में जो इतने खूबसूरत व्यूज़ आए हुए थे ना यार, मैं आपको क्या बताऊँ, पहाड़ हैं साथ, एक सेंटर में रोड, साथ एक तरफ पहाड़, सामने बड़े बड़े पहाड़, साथ लेक, और बड़ी बड़ी लेक्स जो कि समंदर के साथ आगे मिलती हैं, लेकिन क्या अमेजिंग व्यू है, मैं आपको आंखों से बता नहीं सकता हूँ कि ये जो आंखों देंगे हालांकि डेफिनेटली वो तो मैं ही देख रहा हूँ ना, लेकिन जो कैमरा शायद उसके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा हो, लेकिन बहुत ही खूबसूरत व्यू है। अभी हमने जहाँ पे स्टॉप किया, ये आइल ऑफ स्काई बेसिकली एरिया जहाँ पे हम आए हुए हैं, स्कॉटलैंड का ये टॉप पॉइंट है, ये बेसिकली एक आइलैंड है, यहाँ पे इंग्लैंड के साथ बहुत सारे, स्कॉटलैंड के साथ भी, और आगे पीछे बहुत सारे आइल्स लगते हैं, आइलैंड हैं छोटे छोटे, लेकिन वो कनेक्टेड हैं, और इसमें से ये आइल ऑफ स्काई भी है। अभी यहाँ पे आगे हम जा रहे हैं टूवर्ड्स स्काई ब्रिज, जो कि कनेक्टेड है स्कॉटलैंड से, तो उसका भी प्यारा बहुत खूबसूरत व्यूज़ है, और देखते हैं रात को हमने स्टे भी आइल ऑफ स्काई में ही करना है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमने स्टे कहाँ करना है, सो लेट्स सी। तो अभी जा रहे हैं बस, और आगे जाके देखते हैं। कैंपिंग करने का मूड तो है, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि यार कल रात को थोड़ा सा, हमारा फर्स्ट टाइम जा रहे हैं कैंपिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल तो हुए थे, लेकिन अभी कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें कोई बेड एंड ब्रेकफास्ट या कोई होटल वगैरह मिल जाए ठीक, अगर नहीं मिला तो चलें कोई नहीं यार, टेंट तो अपने पास है ना, उसी में स्टे करेंगे फिर। अच्छा ये वो पिट स्टॉप शॉप है जहाँ पे हम रुके हैं, यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पियेंगे हम बैठ के, और ये इसका व्यू है यहाँ से, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वो पहाड़ चेक करें सामने, और ये स्कॉटलैंड का झंडा भी लगा हुआ है यहाँ पे। कॉफ़ी शॉप पे आए हैं, और ये देखें यहाँ पे इन्होंने करेंसी नोट्स लगाए हुए हैं सारे डॉलर्स के, ये कैनेडियन डॉलर्स, ये पुराने हैं ना सारे, ओल्ड कैनेडियन डॉलर्स एंड अमेरिकन डॉलर्स, इट्स गुड, लोगों का शौक होता है। और ये कुछ क्या है, ये कपल ही है, ओके लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नोट्स हैं। ओके सो कॉफ़ी भी आ गई है, मैं तो काफ़ी गाड़ी की साइड पर ले आया हूँ, और मैंने कहा इस व्यू को इन्जॉय करके ज़रा साथ साथ कॉफ़ी पियेंगे।